man with the beard is back. So what's up, lovely people? This is me, Pratik Sharma. Welcome to the channel, The Man with the Beard. And I'm coming with one more reaction video. That this reaction video based on the Aamir Khan body transformation before the Dangal. Dangal से पहले जो उनका transformation उन्होंने किया था fat to fit. मतलब एकदम आपने मूवी अगर वो देखी उसमें एकदम से वो मोटे हो गए, एकदम से उन्होंने एब्स निकाल लिया था. तो ये कोई दो या चार महीने का तो गेम है नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है. अमेजिंग एक्टर, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर जो करी है, मीन्स आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि मतलब कितना हार्डवर्क उन्होंने किया हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. सो गाइज, लेट्स वॉच टुगेदर, उसके बारे में बात करते हैं. ऐसे थे वो पहले. Let's start with the most... जवानी में पहलवानी लड़ते हुए से लेके 42 साल का एक आदमी है जो 52 साल का एक आदमी तक एक बड़ी सी जर्नी है. आमिर सर ने पहले मुझसे पूछा था कि तुम अपना विजन बताओ कि तुम कैसे देख रहे हो महावीर सिंह को. नितेश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहाँ से शुरू करते हैं. तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं. हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं. अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा. और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की. सो पुटिंग ऑन द वेट वाज फन. आई कुड ईट एंड ड्रिंक व्हाटएवर आई वांटेड एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई हैड अ बॉल. आई हैव टू से आई हैड अ बॉल, बट इट वाज आल्सो मोस्ट अनकंफर्टेबल. इवन माय रेसलिंग ट्रेनिंग वाज अफेक्टेड बिकॉज I was carrying so much weight that I couldn't really move fast enough. You know, your breathing changes when you put on weight. Your whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up, everything changes. जो इनका dedication है आमिर सर का, एक temptation ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर body suit लगा लेता हूँ. Body suit में मज़ा नहीं आएगा. मतलब चलिए shirt के नीचे मैं मोटा लगूँगा लेकिन वो feel नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा मुझे as an actor. I hope you never see like this ever again. And guys, picture wrap on our town. तो मोटापा खत्म. लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट. मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया क्योंकि अब ये होगा नहीं. जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. वो चीज़ बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है. आप निराश हो जाते हो, पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है. तो ये जो निराशा की थॉट्स आते थे मेरे मन में, मैं उनको हटा देता था और मैं सोचता था कि जो भी है सिर्फ आप इस दिन के बारे में सोचो, जो सफ़र है उसके अंत के बारे में मत सोचो. डॉक्टर निखिल दुरंधर साहब अमेरिका में उनकी डाइटिशियन थे, उनके साथ हम लोगों ने एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कैलोरिक डेफिसिट डाइट प्लान, 1800 कैलोरी से लेकर 2500 कैलोरी तक. इट यूज्ड टू ऑसिलेट. डाइट इज नंबर वन इन चेंजिंग योर बॉडी. आप कितनी भी कसरत कर ले अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. कभी कभी वो बहुत थक जाते थे और बोलते थे मेरे से सेट नहीं जाएगा या मेरे से नहीं होगा, आई एम वेरी टायर्ड. सो मैं करता था कि ठीक है सर हम वेट कम कर देंगे पर हम एक्सरसाइज कैरी करेंगे, बट मैं उस वेट को कम नहीं करता था. सो उस चीज़ की वजह से उन्होंने जब मार के ये सेट ख़त्म किया तो मैंने उनको बता दिया कि ये सेट आपने कभी नहीं किया था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यू डन इट सो हैवी. और फिर धीरे 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 देखते ही देखते आपकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है. Five months later.
Such an inspiration, transformation, and movie भी A1 movie थी यार. Movie अगर आपने नहीं देखी, mostly लोगों ने तो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी, go and watch this movie. Fantastic movie. I have no words to explain about this movie. Fantastic transformation. 5 months या 6 months के अंदर उन्होंने ये transformation किया. He's one of the best actor अभी तक, क्योंकि कई जितनी भी मूवीज हैं इन्होंने, उसको उन्होंने बोला भी अगर वो चाहते थे सूट्स वगैरह पहन के या इफेक्ट विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू भी वो अपने आप को मीन्स फैट दिखा सकते थे, बट उन्होंने खुद से किया. पहले इतना 90 प्लस वेट रखा, उसके बाद एकदम से उसको रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के साथ साथ जो उनका फैट था वो लास्ट में 9.67 कितना उन्होंने भी बताया था. इट वॉज सच इंस्पायरिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन गाइस. So he's a fantastic actor in India, and I think we should go and watch his movies. And अभी ये movies, एक movie और आने वाली है जो due to COVID ये postpone हो गई थी, एक जिसके अंदर उन्होंने सरदार का एक सरदार जी का role play करा था उसके अंदर. तो अभी वो movie soon it will release in the theaters. And so guys, इस तरह की और videos देखने के लिए, और reactions के लिए, और vlogs के लिए please subscribe my channel. And you can share this video as much as you can. So thank you very much for watching this video. This is Pratik Sharma signing off.